अगर 2 दिन के अंदर कमांडो अरुण गौतम पर लगाए गए बुनियादी आरोप खत्म कर उन्हें बाइज्जत बरी नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे किसान नेता ललित मिश्रा। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कल दिनांक को प्योथर तहसील परिसर में किसान नेता ललित मिश्रा द्वारा SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया। SDM की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार दिलीप शर्मा जी ने ज्ञापन लिया। कमांडो के ऊपर जो रासुका लगाई गई है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सारे संगठन मिलकर के जो शासन प्रशासन द्वारा कूट रचना करके SC ST और रासुका के विरोध में ज्ञापन है। हम 48 घंटे शासन प्रशासन को समय दे रहे हैं, वो अपनी तरह से जांच करा के कमांडो अरुण गौतम के ऊपर लगाई गई रासुका को तत्काल समाप्त करे, अन्यथा 21 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा और यहाँ के सारे समाज सेवी मिल करके ये तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप सबकी होगी। ललित मिश्रा जी द्वारा मीडिया से बात करते हुए यह बताया गया कि अगर 2 दिन के अंदर कमांडो अरुण गौतम पर लगाए गए बुनियाद आरोप खत्म नहीं कर उन्हें बाइज्जत बरी नहीं किया गया तो त्योंधर तहसील परिसर में ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होंगे। किसान संगठन शुरू से ही जागा है, शुरू से ही ज्ञापन, पहले दिन ही ज्ञापन यहाँ दिया गया था। उनके सर में चोट लगी है, उसके बारे में उनको उपचार के लिए ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद उनकी FIR दर्ज कराने के लिए ज्ञापन दिया गया था, परंतु कोई कार्यवाही न होने के कारण आज लगभग 20-22 दिन बाद फिर हम ज्ञापन दे करके अब आंदोलन रणनीति बना रहे हैं और 21 तारीख से यहाँ अगर रासुका जैसी धाराओं को विलोपित नहीं किया जाता है, हटाया नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पर उत्तर तहसील में संयुक्त किसान मोर्चा और राष्ट्रीय रक्षा जल जिला निर्माण मंच के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी कल्पना नहीं किए होंगे। बहुत बहुत जो अच्छे आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, कमांडो समर्थक आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं पटाख कल तेलंगाना दिव्यांग साइकिल वैकिल नहीं मिली है, बैटरी वाली सर साइकिल विधायक जी देने का है आप 2 साल हो गए। तो कमांडो का न्याय दिलावे की बात नहीं समझे, कैसा न्याय दिलावे? सर जी अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा चाहिए, जो कुछ उनके संजय हुआ है गलत हुआ है जी सर, कैसा विधन है जी सर? कोई नहीं सुनवाई कर रहा है तो फसाया जा रहा है कमांडो जी, फसाया जी सर, पठान में जी गए काम कर लिए। आप उनसे मिले हो? जी सर मिले हैं। जी सर कैसा आदमी? अच्छे आदमी। नाम का? नाम बच्चा लाल के नाम पठान। एक ये भी इतनी दूर से दिव्यांग होते हुए भी दूसरी बार या तीसरी बार शायद आए हैं आप, 2-3 बार आ चुके हैं, ये भी कमांडो समर्थक। बहुत बहुत सर, आप जो है तहसील प्लेस में बराबर आते जाते रहते हैं जी, और जो है बिजली विभाग की अनियमितताओं का खामियाजा इस क्षेत्र में को भोगना पड़ रहा है जी, और समाज सेवी वरिष्ठ नेता कमांडो अरुण गौतम के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं, सही हैं? इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इसमें टोटल फर्जी है। जब से देश आज़ाद हुआ और पहले भी जब अंग्रेज भी रहते थे तो कभी भी त्योंथर तहसील के किसी भी व्यक्ति के ऊपर रासुका नहीं लगा। ये पहला प्रकरण है जो रंजिशन अरुण गौतम के ऊपर लगाया गया। इसी प्रकार से यदि केस भ्रष्टाचार की ओर लगेंगे कि मतलब जबरियन लगा दिया जाएगा तो एक भी कार्यकर्ता स्वच्छ नहीं बचेगा। फर्जी रिपोर्ट लिख के और बता देते हैं कि रासुका लग गया, बताइए। ऐसे में कोई शासन की जो एक पक्ष और विपक्ष होता है, पक्ष सत्ता शासन करता है, विपक्ष उसकी बुराइयों को बता के सुधारना चाहता है, और जब सुधारने वाले के ऊपर रासुका लगाया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, यहाँ मर्डर हो गया पनासी में, कोई मुकदमा ही नहीं। कुटिया आई, SP रैंक की कुटिया थी बोलते हैं, और उसने आदमियों को चिन्हित किया, SDOP साहब ने पकड़ा और ऊपर का दबाव आ गया, फिर जांच पड़ताल में छूट गए। हत्या के मामले जो हत्यारे हैं वो घूम रहे हैं, और जो समाज सेवी है 20 साल जिसने देश की सेवा की, देश से सेवा करने के बाद समाज सेवा में आया, आज उसके ऊपर रासुका जैसा
ये इस लग रहा है ये सर कहा जा सकता है कि मामले को एक तरफा किया गया है। बिल्कुल एक तरफा किया गया है। अभी तो जन जन में ये बात जाएगी, अब पेट्रोल की आग की तरह बढ़ेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है। लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है और सिर्फ ये तानाशाह जो कर्मचारी लोग हैं ये तानाशाही कर रहे हैं। सर जो यहाँ के नेता हैं वो मूक बन के बैठे हैं। जब वोट की बात आती है तो कहते हैं हम आपके रक्षक बनेंगे। आज सामने दिखाई दे रहा है। सर एक बार पुनः अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अमरनाथ गौतम है, मैं सुहागी का रहने वाला हूँ, रीवा जिला का हूँ। पिताजी का नाम श्री राम कुमार गौतम है। मोबाइल नंबर 9903390 है और जो चाहिए हम बता सकते हैं। कमांडो अरुण गौतम के ऊपर लगाया गया देशद्रोह के आरोप के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।